हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन। ओके, सो अभी तक हमने जो हमारे फ्रेंडशिप्स होते हैं उसके हमने एरिया पैरामीटर वगैरह जो हम पहले पढ़ चुके थे हमने वो रिवाइज किया एंड कुछ नए चीजों के और हमने एरिया पैरामीटर के बारे में पढ़ा है। आज हम सॉलिड शेप के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमारा जो 2D प्लेन शेप होते हैं एंड 2D वाले शेप होते हैं लाइक रेक्टेंगल स्क्वायर, उसमें क्या होता है हमारा एरिया एंड पैरामीटर। तो पैरामीटर बेसिकली क्या होता है कि उसकी बाउंड्री जिससे वो पूरा इनक्लोज्ड है राइट, एंड एरिया की वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। उसी तरह से अगर हम सॉलिड शेप पे ध्यान दें तो उसमें हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं राइट, जैसे कि कोई क्यूब हो गया, क्यूब हमारा इस तरह से होता है। क्यूब में क्या होती है हमारी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है सेम होती है राइट। तो उसी तरह से ये क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती है हमारे पास, एक तो होता है सरफेस एरिया ओके एंड एक चीज हम दूसरी पढ़ेंगे वॉल्यूम। जिस तरह से 2D शेप्स में हमारे होते हैं पैरामीटर एंड एरिया, उसी तरह से इसमें होते हैं हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ इसमें हम पहले सरफेस एरिया पे ध्यान देंगे इस क्लास में। तो सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कोई भी बॉक्स ले लो, क्यूब शेप का बॉक्स जैसे इसमें देखो तो ये किससे बना हुआ है, ये 2D प्लेन से कुछ 2D फिगर्स से मिलके बना हुआ है राइट, एक तरह से इनक्लोज्ड है, जिससे ये इनक्लोज्ड है। जैसे कि 2D शेप्स जो होते हैं वो किससे इनक्लोज्ड होते हैं, लाइन से इनक्लोज्ड होते हैं। लाइन का जो टोटल सम होता है, टोटल लेंथ होता है, वो क्या होता है उसकी पैरामीटर होती है राइट। उसी तरह से ये क्या होता है, ये एक प्लेन शेप से ये एक प्लेन शेप से इनक्लोज्ड होता है। तो प्लेन शेप से इनक्लोज्ड होता है तो जितने शेप जितने फेसेस से वो इनक्लोज है तो हर एक फेस जो है वो क्या है, प्लेन है ठीक है। हर एक फेस जो ये हमारा इसका ये एक फेस हो गया, ये क्या है, प्लेन है ठीक है, प्लेन है क्यूब में। ये क्या है हमारा एक स्क्वायर है राइट, एक स्क्वायर, इधर एक फेस है इधर, टोटल इसके हमारे पास 6 फेसेस होते हैं राइट। क्यूब में अगर हम देखें, क्यूब हो गया या फिर क्यूबॉइड हो गया, इसमें कितने फेसेस होते हैं हमारे पास, 6 फेसेस राइट। तो ये जो 6 फेसेस हैं क्यूब की सिचुएशन में क्या होंगी, वो 6 फेसेस स्क्वायर्स होंगी राइट, 6 फेसेस स्क्वायर्स होंगी। जो इसका जो भी साइड होगा, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इसकी जो सेम होती है राइट। क्यूब में क्या होता है हमारा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तो नाउ सपोज सारी की लेंथ क्या है, ए है, तो इसके जो डिफरेंट फेसेस हैं ठीक है, जैसे अगर हम इसी ही बॉक्स को, किसी क्यूब बॉक्स को तुम पूरा खोल दोगे पूरी तरह से, तो हमें जिस तरह का फिगर मिलेगा, कैसा फिगर मिलेगा, 4 फेसेस ये क्या है, जो चारों साइड से इनक्लोज है वो क्यूब राइट, चारों साइड से। इन चारों के अलावा क्या है, एक जो होगा कहाँ होगा, टॉप से निकलेगा एंड एक जो होगा वो कहाँ से निकलेगा, कहीं बॉटम से निकलेगा राइट। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं एंड का साइड क्या होता है, ए ए ए क्या है, सारे के सारे स्क्वायर फेसेस है राइट, स्क्वायर फेसेस है। तो इनसे ही इनक्लोज होके क्या बना था हमारा, क्यूब बना था, इनसे ही इनक्लोज होके हमारा क्यूब बना था। तो जिस तरह से लाइन से ठीक है, लाइन से इनक्लोज होके स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनता है, तो उस लाइन की टोटल जो लेंथ होती है वो क्या होती है, पैरामीटर होती है। उसी तरह से इन फेसेस से इनक्लोज होके ये क्यूब बना है। तो इन फेसेस, हर फेसेस का जो एरिया है ठीक है, हर फेसेस का जो एरिया है वो क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया ठीक है। दो चीज होती है, एक होती है हमारी टोटल सरफेस एरिया राइट, टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप बॉटम एंड चारों तरफ से पूरा जो कवर किया है, जो फेसेस, उन सारे फेसेस का एरिया का सम। एंड दूसरी चीज होती है लेटरल सरफेस एरिया और कुछ केसेस में हम इनको, इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ओके। हम आगे देखेंगे किस केस में हम इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं।
ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस केस में हम इनको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली जो टॉप एंड बॉटम के फेसेस को छोड़ के जो चारों तरफ से जिस फेस से वो कवर्ड होता है उनका सम जो होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या हमारा, ये टॉप का है, टॉप फेस का है, एंड ये बॉटम फेस का है, ठीक है। ये जो चारों है वो चारों डायरेक्शन में जो फेसेस है वो है, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ हम दोनों का क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। पहले तो हम लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, चारों तरफ कितने फेसेस है, एक एक फेसेस है, एंड एक फेस का एरिया क्या है हमारा, ए स्क्वायर, राइट, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है। एंड कितने फेस है हमारे पास, 4, एंड एक का क्या है, ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया 4a². सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, ठीक है। टॉप एंड बॉटम का जो फेस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है, किसी भी सॉलिड शेप की बात करें तो, ठीक है, क्यूब हो गया, चाहे क्यूबॉइड हो गया या फिर सिलेंडर, ये तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया था 4a² एंड एरिया ऑफ बेसिस, 2 बेस है हमारे पास, एंड एक बेस का एरिया क्या, a² दूसरे बेस का a², दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2a² एंड टोटल will be 6a². Okay, इसका lateral surface area हो जाएगा 4a² and total surface area हो जाएगा 6a². Okay, now हम क्या देखेंगे, अब cuboid के surface area के बारे में, ठीक है। तो cuboid जो होता है वो क्या होता है, दोनों का क्यूब एंड cuboid का एक तरह का क्या बोला जाए, structure एक तरह से similar होता है। इसमें भी क्या होता है, 6 फेसेस ही होते हैं हमारे पास, बट दोनों में बस इतना डिफरेंस है जिस तरह से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट होती है, बट स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं। उसी तरह से क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सारे डिफरेंट होते हैं, एंड क्यूब में हमारे तीनों चीजें सेम हो जाती हैं, ठीक है। तो एक वो सिमेट्रिकल शेप में आ जाता है, इसके सारे फेसेस क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं, इसके सारे फेसेस क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे, ठीक है, इसके सारे फेसेस एक तरह से रेक्टेंगल होंगे। इस फिगर को देखो, ये हमारे क्यूबॉइड है, राइट, आगे से हम इसको देख रहे हैं, ये क्या हमारा लेंथ है एंड ये उसकी हाइट है, बेसिकली जो नीचे में है एंड ये ऊपर में क्या है, ये दोनों इसके बेसिस हो जाएंगे, राइट। तो ऑफकोर्स ये क्या कहलाएगा, उसका हाइट कहलाएगा, राइट। तो किसी भी चीज को रखो इस तरह से, वो उसकी हाइट है एंड उसके ऊपर एंड टॉप फेसेस क्या हो जाएंगे हमारे, उसके बेसिस कहलाते हैं, ठीक है, टॉप एंड बॉटम फेसेस जो होते हैं, एंड ये हो गया हमारा ब्रेथ। ना जिस तरह से हमने क्यूब के स्ट्रक्चर को हमने ओपन अप करके देखा था, उसी तरह से हम क्यूबॉइड का भी स्ट्रक्चर हम ओपन अप करेंगे, ठीक है। ना हम क्या करेंगे, जो ये पीछे वाला फेस है वो हम सबसे पहले यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, देन हम इधर से दूसरा फेस हमारा ये आएगा, फिर ये जो फर्स्ट आगे सामने फेस है एंड फिर ये वाला एक वाला फेस एंड ऊपर की उसी तरह से हम शो करेंगे। ना ये हमारा फर्स्ट वाला फेस इस तरह से दिखेगा कुछ, राइट, ये हो जाएगा हमारा, इसमें ये लेंथ हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, करेक्ट। देन हम इसको इधर वाले फेस को जस्ट शो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फिर ब्रेथ मिलेगा, राइट, ये क्या हो जाएगा ब्रेथ एंड ये हो जाएगी हमारी हाइट, अगेन ओके, ये भी हाइट है एंड ये भी हाइट की लेंथ है एंड ये ब्रेथ, ओके। नाउ फिर से हमें क्या मिलेगा, इसके जो जो ये वाला फेस है, इसके जो जस्ट अपोजिट फेस है, वो दोनों फेसेस क्या है, कॉन्ग्रुएंट फेसेस है, ठीक है। नाउ क्यूबॉइड में देखेंगे तो जो अपोजिट फेसेस होते हैं एक दूसरे के, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, ओके, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स होते हैं। तो हमें सेम यही वाला फेस फिर से मिलेगा इस तरह से, ये होगा लेंथ एंड ये होगी हाइट एंड ये अगेन लेंथ एंड अगेन फिर से ये वाला फेस का अपोजिट वाला फेस हमें निकालना है, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, इसका कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये ब्रेथ, ये हाइट एंड ये ब्रेथ, ठीक है। ये क्या है, अभी हम सिर्फ पहले लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं, इसके होप से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा हमारा, हम सारे को अलग अलग से सम कर लेंगे। पहला क्या है,
देखो ये दोनों क्या है, दोनों सेम फिगर है, कॉन्ग्रेंट फिगर है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट फिगर है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 into दोनों का एरिया क्या है, एल इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा 2LH प्लस, ठीक है ना, इन दोनों का 2 into BH। ओके तो लेटर सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 2H into L plus B। ओके एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। ओके तो लेटरल सरफेस एरिया कितना, 2H L plus 2H, 2HB plus, ठीक है ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ बेस क्या होगा, अब हम इसमें बेस को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो एक बेस ये है, एक बेस ये है, ठीक है, एक बेस का डायमेंशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ हो गया एंड इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ब्रेथ भी आ जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा ब्रेथ वाला, एंड एक हमारा इस साइड भी निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है भी आ जाएगा ब्रेथ, ठीक है। तो दोनों फेसेस अपोजिट फेसेस है एक दूसरे के, दोनों क्या होंगे, कॉन्कुरेंट फिगर होंगे, तो दोनों बेस का एरिया क्या होगा, सिमिलर होगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 into L into B, एक एक फिगर का क्या है एरिया L into B एंड दो का 2L B, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, टोटल 2 into LH plus HB plus LB, ठीक है, तो 2 into length into height, height into breadth, length into breadth, ठीक है। एक फिगर सॉरी दो फेसेस ऐसे होंगे जिसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ एंड हाइट, एंड दूसरे का दो ऐसे फिगर होंगे जिनका डायमेंशन होगा हाइट एंड ब्रेथ, एंड एक दो और फिगर होंगे जिनका होगा क्या, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया एंड ये था हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ओके सिलेंडर देखते हैं। ओके सिलेंडर की शेप क्या होते हैं, बेसिकली हम लोगों ने कुछ टीम के कैंस देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के कैन आते हैं वो किस शेप में होते हैं हमारे, सिलेंडर, सिलेंडर में, फिर कोई ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास भी क्या होता है हमारे, एक सिलेंडर के शेप में होता है, ठीक है। तो अगर तुम सिलेंडर को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें टोटल हमारे पास 3 faces होते हैं। ओके इसमें से 2 क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है, ये क्या टॉप बेस हो गया एंड ये होता है हमारा बॉटम बेस, ठीक है, दोनों ही किस शेप के होते हैं हमारे, सर्कल शेप के, ठीक है। सो बेसिस, बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कल्स, ओके, एंड उनका कोई रेडियस होता है आर हमारा, ठीक है, एंड टोटल सिलेंडर की हाइट हमारी दी गई है एच। ओके नाउ हमें इसमें 2 चीजें करनी है, क्या कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सेम चीज है लेटरल सरफेस एरिया के, इसमें हम कर्व क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सिलेंडर को अगर देखोगे तो इसका जो चारों तरफ इसको जो सराउंड करता है वो जो फेस है वो क्या है, कर्व सरफेस है, ठीक है, कोई प्लेन नहीं है, एक वो कर्व सरफेस है, बट हम उसको अगर ओपन करेंगे, ठीक है, अगर हमने उसको ओपन किया तो हमें क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा इस तरह का, जिसकी ब्रेथ क्या होगी, जो इस सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। नाउ लेंथ हमें चाहिए, ठीक है, लेंथ हमें चाहिए, तो लेंथ हम कैसे देखेंगे इसका, लेंथ कैसे देखेंगे, जो भी इस जो भी रेक्टेंगल है उसका जो एरिया होगा वही क्या होगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए। नाउ अगर ये रेक्टेंगल कैसे बना, जो हमारा ये शीट है हम इसको वापस से अगर रोल कर दें, ठीक है, अगर हम इसको वापस से रोल कर दें तो ये जो लाइन है वो क्या फॉर्म करेगा, वो एक सर्कल फॉर्म करेगा, राइट, इसका बेस क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है आर, एंड इसका ये जो पूरा जिससे ये बाउंड्री से कवर है वो क्या है, जो इस रेक्टेंगल का लेंथ था उससे बन के, उससे ही तो ये क्या बना है, एक सर्कल बना है, राइट, तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होगा वही क्या होगा, इसका लेंथ होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, राइट,
जो सिलेंडर का बेस है उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वही क्या होगा इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr एंड r क्या है यहाँ पे उस बेस का रेडियस, तो ये हो जाएगा हमारा 2πr, दैट मीन्स इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास 2πr। लेंथ हो जाएगी 2πr एंड ब्रेथ हो जाएगी हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ व्हिच इज 2πr इनटू h, दैट मीन्स 2πrh। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया विल बी क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πrh प्लस, ठीक है, बेस कितने हमारे पास दो बेस है, ठीक है, दोनों बेसिस क्या है सर्कल है, सर्कल ऐसे सर्कल जिनका रेडियस क्या है आर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ इच सर्कल, एरिया ऑफ इच सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ दैट बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो दो बेस का एरिया हो जाएगा हमें 2πr स्क्वायर, टोटल सर्फेस एरिया में भी 2πr हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा h प्लस r। ओके, तो कर्व सर्फेस एरिया होता है 2πrh एंड टोटल 2πr इंटू एच प्लस आर। ओके, नाउ तीनों चीजों का हमने देख लिया, सर्फेस एरिया, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। नाउ हमारा जो एक्सरसाइज 11.3 है हम उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ये तीनों सरफेस पे ही, सरफेस से ही रिलेटेड है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, हमें अ स्केल विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सो जो सूटकेस दिया हुआ है क्यूबॉइड शेप का है, हमें क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड सूटकेस एंड हमें इसका जो भी फीचर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लेंथ हमें क्या दिया है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 48 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये क्या है इसका, इसके मेजरमेंट हमें दी हुई है। नाउ इसको हमें एक क्लोथ से कवर करना है, ओके, मतलब ओवरऑल पूरा कवर करना है। ना हमें जो क्लोथ दिया है वो एक इस फॉर्म में दिया है, एक रोल है, ओके, जिसकी एक कोई विड्थ है, ठीक है, कुछ विड्थ है इस तरह से विड्थ है उसकी, एंड ये इसकी विड्थ हमें दी हुई है 96 सेंटीमीटर एंड इसकी कोई लेंथ होगी, ये आगे बहुत बड़ा होगा रोल फॉर्म में एंड ये इसकी कोई लेंथ होगी, इसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर। ना हमको एनी सूटकेस को इससे कवर करना है, ठीक है, तो एक सूटकेस को कवर करने के लिए, ठीक है, एक सूटकेस को कवर करने के लिए हमें कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जितना भी उस सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतने एरिया ऑफ दिस क्लॉथ वी विल रिक्वायर, ओके, उतने एरिया का कपड़ा हमें चाहिए होगा एक सूटकेस को कवर करने के लिए। ना हमें क्या करना है, इस कपड़े से 100 सूटकेस को कवर करना है, तो हमें टोटल कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है, इस मतलब हमें टोटल कितना एरिया चाहिए जिससे 100 सूटकेस कवर होंगे, ठीक है, बट इसमें टोटल एरिया हमें नहीं बताना है, हमें क्या बताना है कि अगर टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा राइट 100 सूटकेस से हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो बट ये जो कपड़ा है इसमें वो एरिया कितना लेंथ कवर करेगा, मतलब क्योंकि हमें विड्थ पता है तो ऑफकोर्स कुछ लिमिट तक ही लेंथ भी होगी जिससे हमें वो उतना एरिया जितना चाहिए हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, तो कितना था हमने देखा था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट, एंड ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल बी क्या हो जाएगा 80 इंटू 48 प्लस बी एच क्या हो जाएगा हमारा 48 इंटू 24 एंड प्लस एल एच क्या हो जाएगा 80 इंटू 24, राइट, ये जितना भी आएगा हमारा टोटल क्या होगा, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस,
निकालते हैं, कितना होगा हमारा 2 × 80 × 48 कितना हो जाएगा 88 = 64, 6 × 8 = 32 एंड 6 = 38 1840 एंड प्लस नाउ 48 × 24 हम देखेंगे कितना होगा 48 × 24 विल बी 8 × 4 = 32 4 × 4 = 16 एंड ये हो जाएगा हमारा 90 2 × 8 = 16 2 × 4 = 8 एंड 9 × 2 = 5 1 1152 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 × 4 = 32 8 × 16 एंड 1920 तीनों का सम हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा इट विल बी ऐड करो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 2 देन 2 × 5 = 9 7 × 4 = 11 ओके 1 × 10 = 11 and 19 एंड 1 कितना हो जाएगा 6 6 9 1 2 एंड इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 2 × 9 = 18 2 × 6 = 12 एंड 8 × 13 कितना है ये हमें क्या दिया सेंटीमीटर में सो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हमें इतना दिया ठीक है नाउ देन सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस ठीक है 100 सूटकेस को हमें कवर करना है तो 100 का कितना हो जाएगा 100 × 13824 138240 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें इतना टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ चाहिए उस 100 सूटकेस को कवर करने के लिए ठीक है ना हमें जो भी कपड़ा दिया हुआ है वो किस शेप में है बहुत लंबे बहुत ही लंबे रेक्टेंगल के शेप में जिसका विड्थ कितना है 96 सेंटीमीटर हमें एरिया कितना चाहिए तो हमारी लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस हमें क्या निकालना है 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हमें कितने लेंथ की जरूरत पड़ेगी जितना एरिया चाहिए हमको डिवाइडेड बाय व्हाट जिस उसकी ब्रेथ दी ब्रेथ कितनी 96 सेंटीमीटर ओके हाँ जो भी वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा हमें उतने लेंथ का कपड़ा चाहिए उस 100 सूटकेस को कवर करने के लिए एक क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि हमें क्या दिया है एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है ठीक है हॉलो सिलेंडर मतलब जिसके अंदर में कुछ नहीं है जैसे वो एक शीट से बना हुआ है ठीक है शीट से बना हुआ है उसके अंदर पूरा खाली है ओके नाउ हम दिया गया कि इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया वो कितना है 4224 ओके दिस विल बी लेटरल हम लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया गिवन इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके नाउ हमें ये बोला गया कि हम क्या कर रहे हैं सिलेंडर को हाइट से ठीक है इसकी हाइट से हम यहाँ से इसको ऐसे कट कर दे रहे हैं ठीक है हमने इसको इस तरह से कट कर दिया ओके यहाँ से ये कट हो गया एंड फिर ये खुल गया पूरा तो खुल गया तो किस फॉर्म में खुला एक रेक्टेंगल के फॉर्म में राइट रेक्टेंगल के फॉर्म में खुलेगा हमने ये देखा ही था जब हम सरफेस एरिया निकाल देते हो एंड इसकी इस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या होगी जो भी उस सिलेंडर की हाइट होगी राइट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर ओके एंड हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल बना है फॉर्मड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर तो जो भी इसका ब्रेथ है मतलब जो इसका ब्रेथ कितना है 33 सेंटीमीटर और ये क्या है सिलेंडर की हाइट हो जाएगी तो एच हमारा क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर नाउ हमें एच पता चल गया है तो हमें लेटरल सरफेस एरिया पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 πRH ओके 2 πRH हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है करेक्ट लेटरल सरफेस एरिया 2 πRH होता है एंड ऑल्सो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही तो क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 4224 सेंटीमीटर, ये क्या है लेटरल सरफेस एरिया। नाउ लेंथ हमें नहीं पता बट ब्रेथ हमें पता है कितना है 33 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर सकते हैं लेंथ निकाल सकते हैं, हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 4224 डिवाइडेड बाय 33, ये हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये 3 से पहले तो 11 से हम कैंसिल कर लेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 4 एंड 0 एंड 8, फिर हम इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 11, देन 30 बचेगा, 30 हम बोलेंगे 2 एंड फिर 8, 128 सेंटीमीटर। 128 सेंटीमीटर क्या होगी इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 128 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें दिया हुआ है, ये ब्रेथ है राइट, ब्रेथ भी हमारा वही है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 128 प्लस 33 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 11 5 6 161, बेसिकली हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 1 3 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर शेप की पेरीमीटर। ओके ओके ठीक है, हमने दो ही क्वेश्चन डिस्कस किए दोनों तो ओके क्लियर हो, बेसिकली हमें यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, अगर हमें ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं उसका उसकी हाइट अगर दी हुई है, एरिया दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, कि हमें पाई पाई जो होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमने देखी 22/7 और 3.1, यहाँ पे हमें पाई का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमें पूरी 2πr की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि 2πr क्या होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके ठीक है, सो क्यूबॉइड एंड सिलेंडर दोनों के एक ही क्वेश्चन होने के, क्यों क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, नॉट दैट टफ, तो मैं बस क्वेश्चन समझने के लिए दे रही है, बाकी इजिली हो जाते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप एंड उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर फाइनली दोनों से रिलेटेड हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सो तब तक पढ़ते रहना एंड थैंक यू सो मच।